सावन का महीना बड़ा ही पावन एवं पवित्र होता है। कहा जाता है कि यह भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। सावन के महीने में जो भी भक्त अपने मन में जो कुछ भी विचार करता है, जो कुछ भी सोच करके भगवान शिव के दरबार में जाता है, जो कुछ भी भगवान शिव से मांगता है, भगवान शिव उसकी मन्नत को जरूर पूरा करते हैं। किसी न किसी रूप में दर्शन देने के लिए जरूर आते हैं उसके पास। यदि आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो आप भी इसी सावन में उनसे जरूर कुछ मांगिए। एक बार मांग कर तो देखिए, आपकी अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करेंगे, ये विश्वास है। इस वीडियो में एक ऐसी कहानी सुनाने चल रहे हैं, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि भगवान अपने भक्तों का उपकार करते हैं, अपने भक्तों की सहायता करते हैं। आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, आप भी जान लेंगे कि भगवान शिव कैसे अपने भक्तों की सहायता करने के लिए खुद चलकर उनके पास आते हैं। अगर भक्त में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान ही उनके पास आते हैं। दर्शन देने के लिए भगवान खुद चल करके अपने भक्त के पास पहुंचते हैं। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एक कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि वास्तव में भगवान भक्त के पास आते हैं और मजबूर हो जाते हैं अपने भक्त की सेवा को देख करके, अपने भक्त की भक्ति को देख करके, श्रद्धा को देख करके। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दामोदर नाम के एक भक्त जब तक शिव की महिमा की कथा नहीं सुन लेते थे, तब तक जल और अन्न ग्रहण नहीं करते थे। एक बार सावन के महीने में उन्हें कथा सुनाने वाला कोई आचार्य नहीं मिला। वे नंगे पांव असहनी धूप में दूर दूर तक भटके, बहुत परेशान हुए, परंतु कोई कथा सुनाने वाला नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होते जा रहे थे क्योंकि बहुत देरी होती जा रही थी। वे एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय एक राहगीर निकला वहां से। उसके पास मिट्टी के पात्र में जल था। जो राहगीर निकला उसके पास एक मिट्टी का पात्र था, मिट्टी का बर्तन था, उस बर्तन में पानी था। उसने दामोदर से कहा, जीवन बचाने के लिए आप जल ग्रहण कर लें, मैं जल तुम्हें दे देता हूं। परंतु उन्होंने कहा, जब तक मैं शिव महिमा की कथा नहीं सुन लूंगा तब तक जल ग्रहण नहीं करूंगा। राहगीर ने कहा, बैठिए, मैं स्वयं तुम्हें शिव महिमा की कथा सुना रहा हूं। राहगीर से कथा सुनने के बाद जल ग्रहण किया। जब ये कथा राहगीर सुना लिए तभी जल ग्रहण किए, तभी जल को पिए, जल ग्रहण किए। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही थे जो जल लेकर आए थे। स्वयं भगवान शिव ही जल लेकर आए थे अपने भक्त के पास, अपने भक्त की अटल प्रतिज्ञा पूर्ण करने हेतु प्रकट हुए थे। ऐसे हैं भोले भंडारी। जो दामोदर की इस कथा को कहेगा, सुनेगा, भगवान शिव किसी न किसी रूप में उसे दर्शन देकर मनोकामना पूरा करेंगे।